जय हिंद दोस्तों, निशम रिएक्ट में आपका स्वागत है। आज इस T20 वर्ल्ड कप 22 का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, सबसे बड़ा अपसेट हुआ है। नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया है। ये बिल्कुल भी ना सोचने वाली बात है कि नीदरलैंड जैसी छोटी टीम जो साउथ अफ्रीका जैसी इतनी बड़ी टीम को हरा सकती है, जिसने भारत को इतनी बुरी तरह से पटकनी दी थी और उनसे एक मैच जीत लिया था। लेकिन आज नीदरलैंड को सलाम करने का दिल करता है। उनका जो गेम था, उनका जो प्ले स्टाइल था, उनका जो एफर्ट था, वो बहुत ही लाजवाब था। लेकिन इन सब चीज़ों से आज जो है पॉइंट टेबल में इतना बड़ा उलटफेर हो गया है कि साउथ अफ्रीका तकरीबन बाहर हो गई है और इंडिया का सीट जो है सेमीफाइनल के लिए वो कन्फर्म हो गया है। लेकिन इसके साथ अब जो बांग्लादेश और पाकिस्तान का मैच है, ये क्वार्टर फाइनल में तब्दील हो चुका है। जी हाँ, ये क्वार्टर फाइनल में तब्दील हो चुका है, क्योंकि अब बांग्लादेश और पाकिस्तान के मैच में जो भी मैच जीतेगा, आइदर बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों में से जो भी मैच जीतेगा वो सेमीफाइनल खेलेगा। और हाँ, जो सेमीफाइनल खेलने वाले हैं देश, अब या तो भारत तो पक्का ही है, लेकिन या तो बांग्लादेश या तो पाकिस्तान, दोनों में से कोई भी सेमीफाइनल खेल सकता है। भारत को तो कोई फर्क वैसे भी नहीं पड़ता था, भारत वैसे ही सेमीफाइनल में पहुंच चुकी थी, बस उसे एक मैच जीतना था जिम्बाब्वे का। लेकिन अगर किसी वजह से भारत अगर जिम्बाब्वे से मैच हार भी जाता है ना हो, पर अगर हार भी जाता है फिर भी भारत की सीट जो है वो पक्की होगी। लेकिन नीदरलैंड हैट्स ऑफ, क्या खेली है, क्या उन्होंने मार दी है पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को। यकीन मानिए, मैच देखने में बहुत मज़ा आया। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप